गुड मॉर्निंग एट क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर चैप्टर नंबर सेवन। जो हमने स्टार्ट किया था द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस चैप्टर का जो है हम लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट जो है हमें रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, यहाँ से स्टार्ट करना था कि क्या कारण थे जो ये रिवॉल्ट जो था वो फेल हो गया, ठीक है। ऑल दो द ब्रिटिश एक्सपीरियंस इनसिक्योरिटी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द रिवॉल्ट वॉज अनेबल टू अचीव इट्स पर्पज ड्यू टू सेवरल रीजंस, ठीक है। बहुत पहली बार जो है इनसिक्योरिटी फील हुई ब्रिटिशर्स को, जो है उन्हें असुरक्षा महसूस हुई इंडिया में, क्योंकि जो है रिवॉल्ट इतना ज़्यादा एग्रेसिव था कि उन्हें जो है एक बार को लगा कि उन्हें जो है शायद इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन 1857 का जो रिवॉल्ट था वो अनसक्सेसफुल रहा, और इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, जैसे कि इवन दो इट वॉज वाइड स्प्रेड ओवर अ वास्ट टेरिटरी एंड पॉपुलर अमंग द पीपल, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कुड नॉट एम्बेरस इन द एंटायर कंट्री और ऑल द ग्रुप्स एम्बेरस, ठीक है, एंड क्लासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, मोस्ट रूलर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड द बिग जमींदार सेल्फिश टू द कोर एंड फियरफुल ऑफ द ब्रिटिश ब्रिटिश माइट एंड रिफ्यूज टू ज्वाइन इट। रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में, बहुत ज़्यादा फैला, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जो जमींदार थे, कुछ जो किंग्स थे, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, मतलबी थे। उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स का साथ दिया इस जो है रिवॉल्ट के दौरान, उन्होंने जो है अपने घरों में जो है ब्रिटिशर्स को जगह दी रहने के लिए, ठीक है। और इस वजह से जो है लालच में भी दी और थोड़ा बहुत डर के भी दी, ठीक है। और इस वजह से जो ये रिवॉल्ट है बेसिकली इस वजह से फेल हुआ, क्योंकि उन्होंने रिवॉल्ट में शामिल होने से मना कर दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी द सिंधिया ऑफ ग्वालियर एंड द होलकर ऑफ इंदौर एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, द राजा ऑफ जोधपुर एंड द अदर राजपूत रूलर्स, द नवाब ऑफ भोपाल, द रूलर्स ऑफ पटियाला नाभा जिंद एंड कश्मीर, द राणास ऑफ नेपाल एंड मैनी अदर रूलिंग चीफ्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ बिग जमींदार्स गिव एक्टिव हेल्प टू द ब्रिटिश इन सुप्रेसिंग द रिवॉल्ट। अभी मैंने जिन जगहों के नाम या जिन किंग्स के नाम लिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को, जो है जगह दी अपने घरों में और जो है इस रिवॉल्ट में शामिल होने से मना कर दिया। द मनी लैंडर्स वर द चीफ टारगेट्स ऑफ द विलेजर्स अटैक, जो विलेजर्स थे उन्होंने जो मनी लेंडर्स थे जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनको जो है बहुत ज़्यादा टारगेट किया। दे वर देयरफॉर नेचुरली हॉस्टाइल टू द रिवॉल्ट बट द मर्चेंट्स टू ग्रेजुअली बिकेम अनफ्रेंडली, जो व्यापारी थे वो इस रिवॉल्ट में इतना ज़्यादा शामिल नहीं हुए। द जमींदार्स ऑफ बंगाल ऑल्सो रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश, यहाँ तक कि जो बंगाल के जमींदार थे वो भी जो ब्रिटिशर्स थे उनके तरफ जो है बहुत ज़्यादा वफादार थे। द बिग मर्चेंट्स ऑफ बम्बई कलकत्ता एंड मद्रास सपोर्टेड द ब्रिटिश बिकॉज देयर मेन प्रॉफिट्स केम फ्रॉम फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कनेक्शंस विद द ब्रिटिश मर्चेंट्स, जो व्यापारी थे बड़े बड़े उन्होंने बम्बई बॉम्बे के या कलकत्ता के या मद्रास के, उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था जो है कंपनी जो ट्रेड करती थी उसके उसकी वजह से। द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट, यहाँ तक कि जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने भी इस रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं किया। देवर रेप बाय द रेबल्स अपील टू सुपरस्टिशन एंड देयर अपोजिशन टू प्रोग्रेसिव सोशल मेजर्स, उन्होंने जो है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा समाज सुधार के लिए भी काम किए थे तो वो भी जो है ब्रिटिशर्स के साथ थे। एजुकेटेड इंडियंस मिस्टेकनली बिलीव्ड दैट ब्रिटिश रूलर वुड हेल्प देम, वो जो है इंडियन एजुकेटेड इंडियंस को लगता था कि जो ब्रिटिश रूलर्स हैं उन्हें हेल्प करेंगे अकॉम्प्लिश दीज टास्क टू मॉडर्नाइजेशन वाइल द रेबल्स वुड टेक द कंट्री बैकवर्ड, उन्हें लगा कि इस क्रांति से जो है हमारी कंट्री पिछड़ जाएगी और जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी कंट्री को मॉडर्न बनाएंगी, आधुनिक चीज़ें जो है हमारी कंट्री में लाएंगे, इस वजह से भी उन्होंने जो है इस रिवॉल्ट में शामिल होना अच्छा नहीं समझा। और ये वो सारे लोग थे जिनकी वजह से जो रिवॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा मतलब ये जो रिवॉल्ट है वो अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि इन्होंने रिवॉल्ट में शामिल ना होने का निर्णय लिया। व्हेन व्हाट एवर द रीजन फॉर द डिस यूनिटी ऑफ इंडियंस इट वॉज टू प्रूव फेटल टू द रिवॉल्ट, बट दिस वॉज नॉट द ओनली वीकनेस फ्रॉम विच द कॉज ऑफ द रेबल्स सफर्ड, ठीक है। ये जो डिसयूनिटी अभी हमने देखी कि कुछ जो कैटेगरी के लोग थे उन्होंने जो है इस रिवॉल्ट में शामिल होने नहीं हुए, ठीक है, इस वजह से जो रिवॉल्ट है अनसक्सेसफुल भी रहा, पर सिर्फ एक यही वीकनेस नहीं थी, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन थे। रेबल्स ऑफ रिवॉल्ट वर शॉर्ट ऑफ मॉडर्न वेपन्स एंड अदर मटेरियल्स ऑफ वॉर, जो क्रांतिकारी थे उनके पास जो वेपन्स थे हथियार थे वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं थे, ठीक है।
मोस्ट ऑफ देम फॉट विथ सच एंशियंट वेपन्स एज पाइक्स एंड सॉर्ड. बहुत पुराने जो वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, उनका वो इस्तेमाल कर रहे थे. रेबल्स वर ऑल्सो पुअरली ऑर्गेनाइज एंड द सिपॉयज वर ब्रेव एंड सेल्फलेस, बट दे वर ऑल्सो इल डिस्पाइट. समटाइम्स दे बिहेव्ड मोर लाइक अ राइटस मूव देन अ डिसिप्लिन आर्मी. जो रेबल्स थे, क्रांतिकारी थे, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं थे, क्योंकि सब जगह सब एरिए में अलग अलग लीडर्स थे उनके. द रेबल्स यूनिटी डिड नॉट हैव अ कॉमन प्लान ऑफ एक्शन और अथॉरिटी हेड्स और सेंट्रलाइज लीडरशिप. उनके पास कोई सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं थी, ठीक है. सबके पास अपने अलग अलग प्लान्स थे, कोई कॉमन प्लान या कॉमन एक्शन प्लान नहीं था किसी के पास. द रिवॉल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर कम्प्लीटली अनकोऑर्डिनेटेड. तालमेल नहीं बैठा पाए सब जगह. हर जो है इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से रिवॉल्ट हो रहा था, ठीक है. कोई एक एक्शन प्लान नहीं था पूरे जो है इन क्रांतिकारियों के पास. इस वजह से भी जो है ये रिवॉल्ट फेल हुआ. द लीडर्स वर जॉइंट टुगेदर बाय अ कॉमन फीलिंग ऑफ हेट्रेड फॉर द एलियन एलाइन रूल, बट बाय नथिंग एल्स. वंस दे ओवरथ्रू ब्रिटिश पावर फ्रॉम एन एरिया, दे डिड नॉट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ पावर टू क्रिएट इन इट्स प्लेस, ठीक है. और जो है उन्हें ये भी नहीं पता था कि अगर हम यहाँ से ब्रिटिश जो रूल है वो हटा देंगे तो उसके बाद जो है इंडिया पे रूल कैसे करना है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें भी जो है उन्हें पता नहीं थी, इस वजह से भी ये जो है रिवॉल्ट फेल रहा. रेबल्स फेल्ड टू इवॉल्व यूनिटी ऑफ एक्शन. जो है उनके एक्शन में एकता नहीं थी. सब जगह जो है अलग अलग तरीके से जो है प्लान्स बनाए जा रहे थे. देवर सस्पिशियस एंड जेलस ऑफ वन अनदर एंड ऑफ्टन इंडल्ज इन suicidal quarrels. The peasantry having destroyed revenue records and many lenders books and overthrown the new zamindars became passive, not knowing what to do next. The British succeeded in crushing the leaders of the revolt one by one. जो peasant थे वो क्या कर रहे थे, उन्हें पता था कि हमें land revenue चुकाना पड़ रहा था. वो जमींदार के जो वही खाते होते थे उन्हें जला देते थे. जो जमींदार थे उनके घर को जला देते थे. उसके बाद उन्हें क्या करना है कुछ पता नहीं होता था. सब अपनी अपनी जो है जरूरतों को देखते हुए उस हिसाब से जो है इस revolt में एक्शन ले रहे थे. कोई एकता नहीं थी और कोई भी जो है एक सेंट्रल लीडरशिप भी नहीं थी. इस वजह से भी जो है ये रिवॉल्ट फेल हो गया. और धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें थोड़ा बहुत इंडियंस का सपोर्ट था. कुछ इंडियंस जो है उनके साथ मिले हुए थे, तो इस वजह से एक एक करके उन्होंने जो है जितने भी जो ब्रिटिश जो इंडियन रिवॉल्ट के जो हीरोज थे उनको एक एक करके जो है हरा दिया. ऑफ ऑल द लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट, नॉट इवन अ सिंगल वन प्रूव्ड टू बी एबल मिलिट्री कमांडर और एबल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. बहादुर से जफर इन हुज नेम द रिवॉल्ट वॉज इनिशिएटेड वॉज अ फीबल 88 ईयर्स ओल्ड मैन. कोई एक लीडरशिप नहीं थी और जिसे जो है नाम मात्र का एक लीडर बनाया भी गया था बहादुर शाह जफर को, वो 88 साल के जो है एक बूढ़े व्यक्ति थे, ठीक है. अदर लीडर्स ऑल्सो डिड नॉट हैव द रिक्वेस्ट एबिलिटीज टू प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप ऑफ द रिवॉल्ट. और बाकी जो लीडर्स थे वो भी सिर्फ अपने अपने क्षेत्र का जो है लीडरशिप कर रहे थे. जो है पूरे रिवॉल्ट को लीडरशिप करने की क्षमता या कैपेबिलिटी किसी ने नहीं दिखाई, ठीक है. तो ये भी कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से जो है रिवॉल्ट फेल हुआ. और पहले भी हमने कुछ रीजंस पढ़े कि कुछ जो है कैटेगरी के लोगों ने जो है रिवॉल्ट में शामिल ना होना अच्छा समझा, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, इस वजह से भी जो रिवॉल्ट है वो फेल रहा. The British government poured immense men, power, money and arms into the country. Though Indians had to repay the entire cost of their own suppression. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारा जो है उन्हें पैसा पावर का यूज़ करना पड़ा, आर्मी मंगानी पड़ी इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए. और इस सब चीज़ की भरपाई भी जो है उन्हीं लोगों से करवाई गई जिन्होंने इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था. शीर करेज कुड नॉट विद अगेंस्ट अ पावरफुल एंड डिटरमाइंड एनिमी हु प्लान्ड इट्स वेरी इट्स एवरी स्टेप. द रेबल्स डेल्ट विद एन अर्ली ब्लो व्हेन द ब्रिटिश कैप्चर दिल्ली ऑन 20 सितंबर 1857 को. मई में ये जो रिवॉल्ट है वो बेसिकली स्टार्ट हुआ ही था. और 20 सितंबर 1857 को जो है दिल्ली को वापस कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने. और उसके बाद से जो है ये माना जाने लगा कि एक एक करके जो है सारे जो जो किंग्स थे वो इंडियन किंग्स थे जो लीड कर रहे थे इस पूरे रिवॉल्ट को, उनको हरा दिया गया. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर फाइटिंग, बहुत लंबी लड़ाई के बाद जो है एक एक करके सारे जो एरिया से वापस जीत लिए गए. एंड द एज्ड एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज टेकन प्रिजनर. जो बहादुर शाह जफर थे उन्हें कैदी बना दिया गया, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली को ही वापस जो है ऑक्यूपाई किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा. द रॉयल प्रिंसेस वर कैप्चर्ड एंड स्लॉटर्ड ऑन द
स्पॉट द एम्परर वॉज ट्राइड एंड एक्साइल्ड एंड टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1862। जो बहादुर शाह जफर थे 1857 में 20 सितंबर को उन्हें कैदी बना दिया गया और उसके बाद जो प्रिंस थे यानी उनके जो बेटे थे उन्हें ऑन द स्पॉट मार दिया गया। 1862 में जो है वो रंगून जो है चले गए 1862 तक। थोड़े टाइम बाद उन्हें जो है ट्रायल के लिए रंगून भेजा गया और वहीं पर 1862 में वो मर गए। ठीक है, लेमेंटिंग बिटरली द फेट विच हैड बरड हिम फार अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ हिज बर्थ। और जो है उन्हें वहीं पर जो है दफनाया गया, अपनी कंट्री में नहीं लेकर वापस आया गया। ठीक है, विद द फॉल ऑफ दिल्ली द फोकल पॉइंट ऑफ द रिवॉल्ट डिसअपीयर्ड हैज द म्यूटिनिटी म्यूटिनी ऑफ 1857 वाज नीदर होली अ नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नॉट मेरली अ मिलिट्री रिवॉल्ट। इट वॉज अ पार्शली अ सिपॉय म्यूटिनी एंड पार्शली द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इस रिवॉल्ट को जो है हम पूरी तरीके से नेशनल वॉर भी नहीं कह सकते इंडिपेंडेंस का, ठीक है, और ना ही मिलिट्री रिवॉल्ट कह सकते हैं। ये थोड़ा बहुत जो है मिलिट्री रिवॉल्ट और थोड़ा बहुत जो है एक पहला कदम था नेशनल स्ट्रगल का आज़ादी के लिए। ठीक है, रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट, रिवॉल्ट का रिजल्ट क्या हुआ अब ये जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो है इसके क्या रीजन थे फेलियर्स के, ये तो हमने पढ़ लिए, लेकिन रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, कंपनी ने जो है क्या रूल किया या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किस तरीके से इंटरफेयर किया इस रिवॉल्ट के बाद इंडिया में, ये देखना है हमें। ठीक है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड नॉट बीन इन वेन, इट इज अ ग्लोरियस लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। द रिवॉल्ट ऑफ मार्क द रिवॉल्ट मार्क द क्लोज ऑफ एन एरा एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू वन इन इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद जो है इस रिवॉल्ट के बाद एक नया एरा स्टार्ट हुआ। ठीक है, ब्रिटिश रूल तो रहा लेकिन अलग तरीके से, बट एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवॉल्ट सेवरल पॉजिटिव रिजल्ट्स कम फॉरवर्ड बेस्ड ऑन विच अ प्लान फॉर द फ्यूचर वॉज मेड ऑल दो अ फ्यू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट वर ऑल्सो फेल्ट। कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी रहे रिवॉल्ट के लेकिन कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी रहे। द मोस्ट पोटेंशियल पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट दैट इमर्ज्ड वॉज द ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रॉट द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एन एंड। ठीक है, इसका जो एक पॉजिटिव रिजल्ट ये था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल अब तक पॉलिटिकल पावर जो है कंपनी के हाथ में थी वो उसके हाथ से छीन ली एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ द इंडियन टेरिटरीज वॉज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। जो इंडियन जो गवर्नेंस थी वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई। ठीक है, यानी जो ब्रिटिश ताज था उसको जो है यहाँ पे पॉलिटिकल पावर यहाँ की मिल गई और कंपनी जो थी उसकी पॉलिटिकल पावर बिल्कुल खत्म हो गई। द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज हेल्ड एज एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो है एम्परर बना दिया गया इंग्लैंड के किंग को। दिस ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट गवर्न इंडिया एंड ऑल्सो सब्सटेंशियल चेंज इन द पॉलिसी ऑन विच दैट गवर्नेंस वॉज बेस्ड। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है चेंज भी आया गवर्नेंस के सिस्टम में। द नेशनल टर्बुलेंस ऑफ 1857 कंपेल्ड द ब्रिटिश टू रीथिंक एंड रीफॉर्मुलेटेड देयर पॉलिसी टुवर्ड्स द फेडरल फैक्टर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी टुवर्ड्स द किंग्स नेटिव स्टेट्स एंड जमींदार्स ऑफ इंडिया। इस पूरे रिवॉल्ट के बाद जो है ब्रिटिशर्स को सोचना पड़ा दोबारा से कि उन्हें जो पॉलिसी उन्होंने जो बनाई है वो जो है इतना ज़्यादा असंतोष पैदा कर रही है इंडियंस के मन में कि वो जो है रिवॉल्ट जैसा रिवॉल्ट का रास्ता चुन रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है अपनी पॉलिसीज पर दोबारा से विचार किया और जो है पॉलिसीज़ को थोड़ा जो है ऐसा बनाया कि जो इंडियंस है वो इस तरीके की रिवॉल्ट ना करे। द लेसन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस वॉज दैट इट वुड बी बेटर टू रिक्रूट दीज एलिमेंट्स एज कोलैबोरेशन एंड फ्रेंड्स इन फर्दरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द एम्पायर रदर देन antagonizing them. Therefore, the policy of assimilating the native states into the empire was abandoned. ठीक है, तो जो policies थी उसको थोड़ा जो है लचर बनाया गया ताकि जो Indians है उनके ऊपर ज़्यादा जो है दबाव ना बने। The structure of the armed forces was reorganized. The ratio of Indian British was determined as 1:2. High class Hindu were held responsible for the revolt and it was suggested not to recruit them in the armed forces in the future. ठीक है, और एक रूल और बनाया गया इसी के साथ क्योंकि जो पूरा रिवॉल्ट था वो सिपाहियों ने यानी सिपाहियों ने स्टार्ट किया था। इस वजह से जो हाई क्लास हिंदू जो थे उन्हें
इंडिया जो आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी थी, उसमें शामिल नहीं किया गया। इंडियंस को आर्मी में जो शामिल करने का जो रेशियो था उसे भी बहुत कम कर दिया गया, और हाई क्लास हिंदू को जो है शामिल ना करने का एक लॉ कानून बनाया गया, ताकि जो है आगे से जो है इस तरीके की जो घटनाएं है, रिवॉल्ट है, वो ना हो सके। द आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड अलॉन्ग रीजनल लाइन्स एंड अटेम्प्ट वॉज मेड टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ यूटिनिटी अमंग्स द इंडियन सिपॉय। ठीक है, इंडियन सिपॉय जो थे उनमें भी आपस में जो है यूटिनिटी जो है बनाए रखने की कोशिशें की गई। इसके अलावा जो आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्रिटिशर्स को रखने की कोशिश की गई, इंडियंस को जो है बहुत कम रखा गया। द ग्रांटिंग ऑफ हाई रैंकिंग पोजिशन इन द आर्मी टू द इंडियंस वॉज कम्प्लीटली स्टॉप्ड, और जो हाई रैंकिंग की जो पोजिशन होती थी वो बिल्कुल ही बंद कर दी गई इंडियंस को देना। ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हम देख रहे हैं इस रिवॉल्ट के। ठीक है, द आर्मोरी वॉज हेंस फोर्स टू रिमेन इन द हैंड ऑफ द यूरोपियन सोल अलॉन। ठीक है, आर्मी को जो है कोशिश की गई कि वो जो है डायरेक्ट सिर्फ यूरोपियंस के पास रहे। द इवेंट्स ऑफ 1857 ऑल्सो अफेक्टेड एंड चेंज द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द एम्पायर। एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी उसको भी चेंज कर दिया गया। एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू एसोसिएट द इंडियंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन विदाउट गिविंग दैम एनी रियल पावर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और जो है इंडियंस को जो है एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया गया, पर इस तरीके से शामिल किया गया कि उन्हें शामिल भी कर लिया गया, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग को जो है प्रभावित नहीं कर सकते थे, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई रियल पावर ही नहीं दी गई। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी वॉज द इंडियंस काउंसिल। और इसी पॉलिसी बनाई गई थी, वो पॉलिसी थी द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, जिसमें इंडियंस को जो है पार्लियामेंट में शामिल तो किया गया, लेकिन अगर कोई लॉ पार्लियामेंट में आया है तो इंडियंस चाहे उसे जो है पास करवाना चाहे या ना चाहे, वो अगर आया है तो वो पास होगा। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 वॉज पास्ड। ये एक्ट भी पास किया गया इस रिवॉल्ट के बाद, विच वॉज प्रोवाइडेड फॉर एन एनुअल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन लंदन फॉर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस के लिए 1861 जो ये एक्ट पास किया गया 61 में, इसके अंडर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता था जिसमें इंडियन भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था लंदन में, और उसके बाद जिन लोगों को चुना जाता था वो इंडिया में एज अ सिविल सर्वेंट वर्क करते थे फुल रिलीजियस। और ये जो एग्जाम है तब से लेकर अभी तक ऐसे ही चलता आ रहा है। द फुल रिलीजन फ्रीडम वॉज गारंटेड टू द इंडियन पीपल। जो पूरी जो रिलीजियस फ्रीडम थी, जिसकी वजह से जो है एक ये भी कॉज था इस पूरे रिवॉल्ट का, तो वो फ्रीडम उनको दी गई। क्वीन विक्टोरिया हर्सेल्फ डिक्लेयर्ड इन 1858 दैट नो इंटरफेरेंस वुड बी मेड इन टू द रिलीजियस बिलीफ ऑफ एनी पर्सन और अ ऑफ पर्सन। ठीक है, खुद जो है क्वीन विक्टोरिया ने जो है एक लॉ बनाया 1858 में कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा किसी के भी रिलीजन में। बिकॉज ऑफ रिवॉल्ट एंड इट्स इफेक्ट्स द हिंदूज एंड मुस्लिम्स रोज अबव देयर नैरो कम्युनल फीलिंग्स एंड बिगेन टू जॉइन अ कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, इस रिवॉल्ट के बाद जो है हिंदुज्म और मुस्लिम जो है उन्होंने एक साथ मिलकर जो है एक दूसरे का साथ दिया। सम ऑफ द प्रिकॉशंस ऑफ द रिवॉल्ट वर द फॉलोइंग। इसके अलावा कुछ और भी जो थे इसके इन्फ्लुएंस रहे। द रिएक्शन ऑफ द रिवॉल्ट वॉज फार रीचिंग स्पेशली ऑन द आउटलुक्स ऑफ द टू रेसिस इन्वॉल्व्ड। इट ड्रॉ अ वेज बिटवीन द इंडियंस एंड देयर रूलर्स। ठीक है, द डिस्ट्रस्ट बिगेन टू ओवर कास्ट इंग्लैंड्स रिलेशंस विद इंडिया। जो ट्रस्ट है वो भी इंग्लैंड और इंडिया के बीच में कम हुआ। द रेबिलियन ऑफ 1857 ऑल्सो कन्विंस द ब्रिटिश दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर डेंजरस एंड शुड बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट। और जो 1857 का रिवॉल्ट था, इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये चीज़ जो है एक्सपीरियंस की कि हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग रखना ही ठीक है, क्योंकि अगर ये लोग यूनिटी में आ गए तो हमें जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है ये हमारे लिए। वन इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ऑफ द रिवॉल्ट दैट इंटेंसिव Fired this estrangement was the spirit of revenge, and the victors killed their prisoners without a trial.
और जो है एक प्रिकॉशन और लिया गया ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा कि जो भी जो इस रिवॉल्ट को स्टार्ट करने के पीछे जो भी लीडर्स थे उन्हें जो है बिना ट्रायल के पनिश किया गया, फांसी पे लटका दिया गया, ताकि जो बाकी लोग हैं उन्हें ये सबक मिले कि इस तरह का विद्रोह या इस तरह की क्रांति करने से जो है ब्रिटिश रूलर्स किस तरह के जो है कदम उठा सकते हैं। ओवन यूरोपीय यूरोपनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज बिकेम द वॉच वर्क। ठीक है, यहाँ तक कि जो मिलिट्री या सिविल सर्विस में जो अपॉइंट किए जाते थे लोगों को उस पर भी जो है बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखी जाती थी, ठीक है, यूरोपियंस के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिवॉल्ट के बाद रखे, जिन चीज़ों का ध्यान रखा कि ताकि दोबारा इस तरह का रिवॉल्ट वापस ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है।